अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल वाइट चिकन कढ़ाई, जिसके लिए हमें चाहिए 1 kg चिकन, जिसे मैंने धो के साफ़ करके रखा है, 3 tablespoons अदरक लहसुन का पेस्ट, 5 tablespoons फ्रेश बलाई जिसे मैंने हल्का सा मिक्स करके रखा है, 1 teaspoon ज़ीरा और 1 teaspoon धनिया पाउडर, 1/2 teaspoon गरम मसाला, 1 teaspoon वाइट पेपर, 1 teaspoon सॉल्ट और 1 teaspoon ही काली मिर्च का पाउडर और 1 cup दही, 3-4 हरी मिर्चें और यह है कोकोनट पाउडर 3 tablespoons और प्याज 3 से 4 अदद ग्राइंड करके रखे हैं। आइए तो स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले कढ़ाई में हम 1/2 cup ऑयल डालेंगे। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसमें हम 1 teaspoon सॉल्ट ऐड कर देंगे, या अपने टेस्ट के हिसाब से इसको हल्का सा मिक्स कर लें। अब हम इसमें चिकन डाल देंगे, जिसे अच्छी तरह से धोकर ड्राई करके रखा हुआ है। अब इसको हम तेज़ आंच पे 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे, या फिर इतनी देर पकाएं कि इसका चिकन का कलर वाइट हो जाए। और ये 5 मिनट हो गए हैं और चिकन का कलर वाइट हो गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 tablespoons जिंजर गार्लिक पेस्ट और अच्छी तरह मिक्स कर लें और इतनी देर पकाएं कि जिंजर गार्लिक जो है वो थोड़ा सा उसका कलर ब्राउन हो जाए, अच्छी तरह से पक जाए, उसका कच्चापन ना रहे। इसके बाद हम 3 से 4 अदद प्याज, जिसे मैंने ग्राइंड करके रखा हुआ था, वो डालेंगे और इसको भी 3 या 4 मिनट या फिर इतनी देर पकाएं आप कि प्याज ब्राउन ना हो लेकिन उनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये ऑप्शनल है, अगर आपको ग्रेवी पसंद है तो तब आप प्याज डालें, लेकिन जो रेस्टोरेंट में असल वाइट कढ़ाई मिलती है उसमें वो लोग प्याज ऐड नहीं करते। अगर उन्हें कहा जाए कि हमें ग्रेवी चाहिए तो तब वो प्याज डालते हैं, वरना वैसे ही बनाते हैं। तो घर में ख़वातीन के साथ तो ये मसला होगा, जब भी कढ़ाई बनाओ, कुछ भी बनाओ, उस टाइम तो सब कहते हैं रेस्टोरेंट के स्टाइल की बनाओ सब, और जब खाने के लिए बैठते हैं तो हर किसी को ग्रेवी चाहिए। तो इसलिए मैंने इसके अंदर 3 से 4 प्याज ग्राइंड करके डाले हैं ताकि थोड़ी सी ग्रेवी बन जाए। बस अब हम इसको इतनी देर पकाएंगे कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, तकरीबन 4 से 5 मिनट में हो जाएगा, लेकिन इसको ब्राउन नहीं करना क्योंकि हमें कढ़ाई का कलर वाइट ही रखना है। ये देखें, बस बिल्कुल इस तरह का कलर होना चाहिए प्याज का, हल्का सा गोल्डन शुरू हुआ है। इसके बाद अब हम इसके अंदर मसाले ऐड कर देंगे, 1 teaspoon ज़ीरा, चाहे आप पाउडर फॉर्म में डालें चाहे साबुत डाल दें, जैसे आपको पसंद हो, और 1 teaspoon धनिया पाउडर, 1 teaspoon हम इसके अंदर खोपरा डालेंगे, कोकोनट पाउडर 3 tablespoons, ये इसका मेन इंग्रेडिएंट है। बहुत सारे लोग इसमें काजू डालते हैं, काजू का पेस्ट डालते हैं, लेकिन जो रेस्टोरेंट में बनती है वो लोग इसमें खोपरा ही डालते हैं। पिसा हुआ नारियल 3 tablespoons डाल दें, 1 teaspoon वाइट पेपर, ये ऑप्शनल है, अगर आपने डालना चाहें तो डाल दें, वरना काली मिर्च तो इसमें डलेगी ही। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 pav दही या 1 cup के बराबर दही और आंच को बिल्कुल स्लो कर देंगे, क्योंकि वाइट चीज़ जब भी कोई ऐड करते हैं, क्रीम हो, दही हो, तो फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देना चाहिए। इसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
लो फ्लेम पे ही इसमें डालेंगे बलाई, फ्रेश बलाई यूज़ कर रही हूँ मैं। आप चाहें तो बाज़ार से क्रीम भी मंगवा के यूज़ कर सकते हैं। ये 5 टेबल स्पून डाला है मैंने इसमें। इसको मैंने हल्के हाथ से ही बीट किया हल्का सा, ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। अगर इसको ज़्यादा बीट करेंगे तो ये मक्खन बन जाता है। अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी हरी मिर्चें, जिसको मैंने कट लगा दिया दरमियान में से। अब इसको ढककर इतनी देर पकाएं कि आपकी चिकन अच्छी तरह गल जाए और कढ़ाई जो है वो ऑयल छोड़ दे। और ये तकरीबन 4 मिनट हो गए हैं और हमारी चिकन बहुत अच्छी तरह से गल गई है और कढ़ाई तकरीबन तैयार है। अब हम इस स्टेज पर फ्लेम को बंद कर देंगे और इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला, ये अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और काली मिर्च 1 टीस्पून। और हमारी चिकन कढ़ाई तैयार है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी और फिर आपको दिखाती हूँ कैसी बनी है। और ये हमारी चिकन, अब इसको हम ऊपर से गार्निश करेंगे। लेमन रखते हैं इस पर, ये सब आपकी मर्ज़ी है, धनिया डालें, लेमन रखें, जैसे आप इसको गार्निश करना चाहें। और ये थोड़ा सा लंबाई में कटा हुआ अदरक, और ये एक हरी मिर्च गोल कटी हुई, ये डाल दें। और ये हमारी ज़बरदस्ती वाइट कढ़ाई तैयार है, रेस्टोरेंट स्टाइल की। ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और इसके बराबर में जो बेल आइकन है उसको प्रेस ज़रूर करें, ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।